रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है, टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सबसे सटीक सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर वन चैनल बना हुआ है, हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यूक्रेन वॉर जोन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका की मीडिया ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ा दावा किया है। दावे पर अगर यकीन करें तो पुतिन ने करीब 10 महीने से जारी जंग में अपनी चूक अब मान ली है। जी हां, दावे के मुताबिक पुतिन ने ये कबूल किया है कि यूक्रेन की ताकत के आंकलन में उनसे भूल हुई है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अमेरिका की मीडिया का ये दावा सच्चा है या फिर रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा। तो सब जानने के लिए अगली रिपोर्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं वो जरूर देखिए। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर गलती की? क्या दुश्मन की ताकत आंकने में रूस से चूक हो गई? क्या ज़ेलेंस्की की आर्मी उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकली? पुतिन का कबूलनामा या वेस्टर्न मीडिया का झूठा अफसाना? 24 फरवरी 2022 से एक तरफ रूस यूक्रेन में विध्वंसक युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ जंग में रूस की हार और उसके मुकाबले बेहद कमजोर यूक्रेन की जीत को लेकर प्रोपेगेंडा वॉर भी जारी है। बेशक करीब 10 महीने बाद भी युद्ध का कोई नतीजा न निकला, लेकिन हकीकत यही है कि पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन में ऐसा कहर बरपाया कि इस मुल्क का वजूद खतरे में आ गया। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग बेमौत मारे जा चुके हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की शह पर रूस से लोहा ले रहे यूक्रेन के दावे ऐसे जिसे सुनकर पुतिन के दुश्मन को भी यकीन करना मुश्किल। सबसे नया दावा क्या है, किसका है, यह आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको रूस के नुकसान पर यूक्रेन का लेटेस्ट दावा दिखाते हैं। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक 17 दिसंबर तक रूस के 97,690 जवान मारे जा चुके हैं, उसके 281 प्लेन और 264 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के मुताबिक उसने पुतिन की 653 क्रूज मिसाइलों और 2,985 टैंकों को भी बर्बाद कर दिया है। जबकि रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके ठीक उलट दावा किया है। बीते 10 महीनों से जारी हमलों के बीच पुतिन की फोर्स ने एक बार फिर से यूक्रेन के कई अहम ठिकानों को मिसाइल अटैक में तबाह कर दिया। пятницу 16 декабря по системам военного управления оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. जाहिर है रूस की सेना यूक्रेन में चौतरफा तबाही मचा रही है, लेकिन सच ये भी है कि कीव पर कब्जे का उसका ख्वाब अभी तक अधूरा है। ऐसे में मैदानी जंग में डायरेक्ट एंट्री से परहेज करने वाले अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के साथ साथ रूस के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर को अंजाम देने में जुटे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से वेस्टर्न मीडिया ने जो नया दावा किया है वो शायद इसी साइको वॉरफेयर का हिस्सा है। वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने ये बात मानी है कि उन्हें युद्ध के इतने लंबे वक्त तक खिंचने का अंदाजा नहीं था, जबकि बीते साल CIA चीफ के मॉस्को दौरे पर पुतिन ने अपनी ताकत का खुलेआम इजहार किया था। रूस की सेना को सबसे ताकतवर और यहां तक कि अमेरिका से भी मजबूत बताया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस की आर्मी को चंद दिनों के अंदर कीव पर कब्जे का भरोसा था, लेकिन अब तक का अंजाम इस उम्मीद के बिल्कुल उलट है। दावा तो यहां तक है
यूक्रेन में रूस को सोवियत संघ के बिखरने के बाद अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन में रूस की सेना को पड़े नुकसान से पुतिन भी इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई पुतिन ने यूक्रेन की ताकत के आकलन में चूक कर दी है? क्या सचमुच उन्होंने इशारों में ही सही हार कबूल ली है, या फिर ये सिर्फ अमेरिकी अगुवाई वाले पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा भर है? इसे लेकर अमेरिकी मीडिया के दावों पर यकीन करें तो पुतिन ने ये बात मानी है कि यूक्रेन युद्ध का अंजाम उनके प्लान के मुताबिक कतई नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेनेट के बीते मार्च में मॉस्को दौरे पर पुतिन ने यह भी कबूल किया कि यूक्रेन की ताकत उतनी भी कम नहीं है जितनी उन्हें बताई गई थी। बेनेट से बातचीत में पुतिन ने यह भी माना कि युद्ध हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन युद्ध हमारी नहीं दुश्मन की जमीन पर हो रहा है। ऐसे में एक बड़े देश होने के नाते हमें सब्र रखना होगा। Ну кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. И я хочу вас поблагодарить, что вы... Путин को करीब से जानने वाले लोग भी मानते हैं कि वो हार मानने वालों में से नहीं हैं। ऐसे में पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को सबक सिखाए बिना नहीं रहेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुतिन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन को भी दो टूक कह दिया है कि युद्ध के मैदान में रूसी आर्मी को चाहे जितना नुकसान क्यों ना हो वो पीठ दिखाकर लौटेगी नहीं। यही वजह है कि पुतिन ने शुक्रवार को भी रूस के टॉप मिलिट्री कमांडरों के साथ मीटिंग की, यूक्रेन वॉर पर मंथन किया। इस दौरान फौरी एक्शन से लेकर लंबे समय तक के अटैक प्लान पर चर्चा हुई। ऐसे में जैसी आशंका है उसके मुताबिक इस ठंड में यूक्रेन युद्ध का अंत मुमकिन है, लेकिन इसका अंजाम यूक्रेन का संपूर्ण विनाश होगा या फिर कुछ और, फिलहाल कहना मुश्किल है। और चलिए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें।